बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हुई हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लेंज़र पर कि आपको कौन सा क्लेंज़र यूज़ करना चाहिए और हमारे पास कौन कौन से क्लेंज़र अवेलेबल हैं ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। सो फ्रेंड्स, क्लेंज़र क्रीम फॉर्म में भी होता है, क्लेंज़र मिल्क फॉर्म में भी होता है और क्लेंज़र फेस वॉश के साथ भी अटैच्ड होता है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे पास आज क्लेंज़र है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, ये मेरे पास है ओलिविया का क्लेंज़र मिल्क। फ्रेंड्स, जो ओलिविया है ये पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिन्होंने प्रोडक्ट अपनी खुद बनाई। लिपस्टिक्स भी आपको कॉस्मेटिक्स में हर किस्म की चीज़ मिलेगी इनकी। और फ्रेंड्स, इनकी जो कॉस्मेटिक्स हैं और जितनी भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं होती, सस्ती होती हैं। तो बाज़ लोग समझते हैं कि शायद ये कंपनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग कीमत को मत देखा कीजिए बल्कि आप ये देखा कीजिए कि इसमें है क्या चीज़। और देखिए, आप जानते हैं कि जो ओलिविया का क्लेंज़र मिल्क है ये एलोवेरा के साथ है। देखिए, इसके अंदर एलोवेरा है और एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोग सभी जानते हैं। और ओलिविया कंपनी अच्छी कंपनी है, पाकिस्तान की पहली कंपनी है, उसकी तमाम की तमाम कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये ओलिविया का क्लेंज़र मिल्क है ड्राई स्किन के लिए। आप विंटर सीजन में ओलिविया का क्लेंज़र मिल्क ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, यह आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चर करेगा। और फ्रेंड्स, ये एलोवेरा के साथ आपको मिलेगा और एलोवेरा फ्रेंड्स आपकी स्किन को रेजुविनेट करती है, आपकी स्किन को हेल्प करती है फ्रेश करने में और यंग बनाने में। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सपल बना देता है। और फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन को लाइट मॉइस्चराइजिंग फ्राहम करता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है हम आपको ये भी बता देते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको अपने फेस और नेक पर अप्लाई कीजिएगा, जेंटली मसाज कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने इसको अपने फेस को वॉश कर लेना है। और फ्रेंड्स, जो ओलिविया का क्लेंज़र मिल्क है इसको आप एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ लोशन अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ आप हाथ पांव के लिए एज अ लोशन यूज़ करेंगे, फेस के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, क्लेंज़र मिल्क को अगर हम क्लेंजिंग करके छोड़ दें तो कलर भी ब्लैक हो सकता है। क्योंकि क्लेंजिंग का मकसद ये होता है कि हमारी जो डर्ट और डस्ट है वो हमारी स्किन पर से निकल जाए। अगर आप इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे तो आपका जो कलर है और जो आपकी जो डस्ट डर्ट है वो दोबारा आपकी स्किन में चली जाएगी। तो आपने फ़ौरन से अपने फेस को वॉश करना है। और फ्रेंड्स, इसके साथ आपने क्लेंजिंग किस तरीके से करनी है, फ्रेंड्स आपने खुश्क हाथों से अपने ये थोड़ा सा लोशन लेना है, क्लेंज़र लोशन लेना है, इसके साथ अपने अपने फेस का मसाज करना है। और जब देखा कि आपका हाथ आपके फेस पर अब मज़ीद मसाज नहीं कर रहा तो आपने अपने हाथों को वेट करके दोबारा से मसाज करना है। बाज़ लोगों को क्लेंजिंग करने का पता नहीं चलता, वो क्लेंजिंग जो क्लेंज़र होता है उसको अपने फेस के अंदर जज्ब करने की कोशिश करते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करना, बल्कि अपने हाथों को वेट करके आपने दोबारा से क्लेंजिंग इसके साथ शुरू कर देनी है। फिर आपने वॉश कर देना है और दो से तीन मिनट से ज़्यादा आपने क्लेंजिंग नहीं करनी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है, तो आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट है मेरे पास गोल्डन पर्ल का क्लेंज़र मिल्क, जो कि मल्टी एक्शन वाइटनिंग क्लेंजिंग मिल्क है। ये मल्टी एक्शन इसलिए इसको बोला गया है, ना सिर्फ ये एक क्लेंजिंग मिल्क है बल्कि ये आपकी स्किन को वाइट भी करेगा, ये फेशियल क्लेंजर है, मेकअप को भी रिमूव करेगा और इसको आप एज अ लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा है मल्टी एक्शन क्लेंजर मिल्क। तो फ्रेंड्स, इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और फ्रेंड्स, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इन्होंने मेंशन किए हुए होते हैं। फ्रेंड्स, इस पर लिखा हुआ है कि इट्स डीप क्लेंजिंग फार्मूला क्विकली रिमूव्स इम्प्योरिटीज, डर्ट, मेकअप क्रेसेस एंड एक्सेस ऑयल, रिफाइनिंग स्किन पोर्स एंड रिलीव्स योर स्किन यूथफुल, रिफ्रेशिंग एंड वाइटनिंग। फ्रेंड्स, इसको हमने खुद भी यूज़ किया है, वाकई जो इसके बेनिफिट ऊपर लिखे हुए हैं वो वाकई इसके साथ आपको मिलेंगे। मैंने खुद भी इसको यूज़ किया हुआ है। फ्रेंड्स, आप ये मिल्क से भरपूर है और ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर
इसके साथ ही फ्रेंड्स ये आपकी स्किन की डीप क्लेंजिंग करेगा और इसके अंदर विटामिंस भी मौजूद है फ्रेंड्स। गोल्डन पर्ल की जो क्रीम मार्केट में मिलती है और फ्रेंड्स गोल्डन पर्ल के जो सोप हैं फ्रेंड्स, ना तो आप इसका सोप यूज़ कीजिएगा और ना ही फ्रेंड्स आप इसकी क्रीम यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो अच्छी नहीं है, हर किस्म की स्किन को सूट नहीं करते। क्रीम से तो आपके फेस पर बाल आ जाएंगे और जो इसका जो सोप है वो भी स्किन को सूट नहीं करता। और जो ये इनका जो मल्टी एक्शन क्लेंज़र है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको मैंने खुद यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसका जो क्लेंज़र मिल गया ये वाकई में ही अच्छा है, लेकिन सोप और क्रीम आप मत यूज़ कीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है मेरे पास पिक्सी का मिल्क क्लेंज़र। फ्रेंड पिक्सी बहुत अच्छी ब्रांड है और इसका जो लोशन है, जो क्लेंज़र मिल्क है या जो भी इसकी आपको मार्केट में चीज़ें मिलेंगी, प्रोडक्ट मिलेंगी, वो तमाम की तमाम बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसका पिक्सी का लोशन भी यूज़ किया हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन फ्रेंड्स ये मेरे पास है इसका क्लेंज़र मिल्क। फ्रेंड्स ये ना सिर्फ क्लेंज़र मिल्क है बल्कि आप इसको एज अ लोशन यूज़ कर सकते हैं, एज अ वाइटनिंग लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगा। ये वैसा क्लेंज़र मिल्क नहीं है जिसको लगाने के बाद अगर आप छोड़ दें तो आपका कलर डल हो जाएगा। अगर आप इसको एज अ लोशन लगाना चाहते हैं तो आप इजीली लगा सकते हैं, बहुत अच्छा क्लेंज़र मिल्क है। इसमें नेचुरल वाइटनिंग पाउडर मौजूद है, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है कि ये नेचुरल वाइटनिंग पाउडर डेरिवेट विटामिन सी। जी फ्रेंड्स ये विटामिन सी भी रखता है, विटामिन सी आप लोग जानते हैं कि विटामिन सी कलर को कितना फेयर करता है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये आपके मेकअप को भी रिमूव करेगा, आपके एज अ मेकअप रिमूवर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्किन को ये बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगा, स्किन टोन को लाइट करेगा, बहुत अच्छा है। और मिल्क का इसके अंदर मिल्क मौजूद है, इसके अंदर मुख्तलिफ एक्सट्रैक्ट मौजूद है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्योर करेंगे, ट्रीट करेंगे और फेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स पिक्सी का जो मिल्क क्लेंज़र है आप इसको ज़रूर यूज़ करना है, आप इसको एज अ लोशन अपने हाथ पांव पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। ये तमाम की तमाम चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी अपनी आजमूदा है, मैंने ट्राई की हुई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास सॉफ्ट टच का क्लेंजिंग मिल्क, जो गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स हैं। फ्रेंड्स सॉफ्ट टच का जो क्लेंजिंग मिल्क है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स सॉफ्ट टच का फेशियल भी मिलता है, अक्सर पॉलर्स वगैरह में किया जाता है, लेकिन सॉफ्ट टच का कोई रिज़ल्ट नहीं है फेशियल का और ना ही इसकी क्रीम वगैरह का। तो फ्रेंड्स जो सॉफ्ट टच का क्लेंजिंग मिल्क है ये बहुत ज़बरदस्त है। सॉफ्ट टच की आप सिर्फ तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक तो क्लेंजिंग मिल्क, दूसरा शाइनर और तीसरा सूथिंग लोशन, ये तीनों अच्छे हैं। इसके अलावा सॉफ्ट टच की जो बाकी कॉस्मेटिक्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना ही उनका कोई रिज़ल्ट है। लेकिन सॉफ्ट टच का जो ये क्लेंजिंग मिल्क है ये मेरा अपना आजमूता है, खुद मैंने यूज़ किया हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मिल्की क्लेंज़र है। और फ्रेंड्स ये ना सिर्फ आपकी स्किन की क्लेंजिंग करेगा बल्कि आपके कलर को भी ये फेयर करेगा और डीपली क्लेंजिंग करेगा। फ्रेंड्स इसको आप एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हैं या आपकी स्किन पर से जो इसका मिल्क है, जो इसके अंदर उन्होंने मिल्क ऐड किया हुआ है, या आपकी स्किन के ट्रेस ऑफ डर्ट को, मेकअप को आपके फेस से रिमूव करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इसके अपने बाजू की क्लेंजिंग कर सकते हैं, अपनी अंडर आर्म की क्लेंजिंग कर सकते हैं। ना सिर्फ ये क्लेंजिंग मिल्क फेस के लिए है बल्कि आप अपने बालों की क्लेंजिंग भी इसके साथ कर सकते हैं। आपके अगर स्कैल्प बहुत ज़्यादा डर्टी है तो आपने अपने बच्चों के बालों की क्लेंजिंग कर सकते हैं, बच्चों के स्कैल्प बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाते हैं तो आपने इसको एज इट इज़ ही लेकर अपने बच्चों के बालों में स्कैल्प में मसाज करना है, उसके बाद फिर आप इसको वॉश कर लेना है। दिस इज़ ग्रेजी एंड येट वॉशेबल, ये इजीली वॉश हो जाएगा और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट क्लीन करेगा। फ्रेंड्स दिस इज़ सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, इसको आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, अपने फेस की क्लेंजिंग कीजिए, अपने बालों की क्लेंजिंग कीजिए, अपने आर्म्स की, अपनी पूरी बॉडी की क्लेंजिंग के साथ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स आपने इसको अपने फेस पर और नेक पर फिंगर टिप्स की मदद से आपने अप्लाई करना है। फ्रेंड्स ये हर किस्म की स्किन के लिए सूटेबल है, नॉर्मल स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए। सो फ्रेंड्स आपने एक से दो मिनट के लिए इसके साथ क्लेंजिंग करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं देना, ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपकी स्किन की बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करेगा। सो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं भी मैंने आपको बता दिया है, अगर आपके पास ये है और सॉफ्ट टच की आप लोग चीज़ें यूज़ करते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी चीज़ें आपको सॉफ्ट टच की यूज़ करनी चाहिए और कौन सी यूज़ नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट है मेरे पास ओवल का डबल एक्शन क्लेंज़र।
फ्रेंड्स ओवल का जो डबल एक्शन क्लेंजर है ये बहुत अच्छा क्लेंजर है फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट करेगा। और फ्रेंड्स ये आपके जो स्किन ऑयली समर सीजन में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और पोर्स के ओपन होने की वजह से फ्रेंड्स ये मॉइस्चराइजिंग फार्मूला है जो कि सील्स मॉइस्चराइजिंग इनसाइड स्किन। फ्रेंड्स ये आपकी जो स्किन के जो पोर्स हैं उनको सील करेगा जिसकी वजह से जो मॉइस्चर आपकी स्किन पर आता है मॉइस्चर बैरियर को ये रिमूव करेगा, तो आपकी स्किन पर मॉइस्चर गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपकी स्किन को ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा। फ्रेंड्स इसके मसाज करने के बाद आपकी स्किन जो है उस पर कूलिंग का एहसास होगा क्योंकि जब आप इसका मसाज करेंगे तो आपको कूलिंग फील होगी क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कूलिंग इंग्रेडिएंट ऐड किया हुआ है, तो गर्मियों में गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपका दिल यही करेगा कि हम बार बार इसके साथ क्लेंजिंग करें, ये बहुत बेस्ट है आपकी स्किन के लिए क्योंकि इन्होंने इसके अंदर कैम्फर ऐड किया हुआ है जो कि आपको ठंडक का एहसास देगा। और फ्रेंड्स ये कलर को बहुत ज़्यादा फेयर कर देता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, इसलिए उन्होंने इसका नाम डबल एक्शन रखा है। ना सिर्फ आपकी स्किन की क्लेंजिंग करता है बल्कि आपकी स्किन टोन को भी ये फेयर करता है, हर किस्म की स्किन के लिए सूटेबल है। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी से रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।